सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में पदस्थापित पर्यवेक्षकों, लेखापाल और ग्रामीण आवास सहायकों का हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गया। बड़हड़िया विधायक संबहादुर सिंह ने हड़तालियों से वार्ता कर उनकी मांगें जानी तथा ग्रामीण विकास मंत्री से बात कर उनको मांगों को रखा। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा विधायक पर से सहानुभूतिपूर्वक वार्ता करते हुए कहा कि इस माह के अंत तक इनकी वेतन सम्मानजनक वृद्धि होगी। इसके पश्चात विधायक के आश्वासन और अपील पर सभी आवास सहायक, लेखा सहायक और पर्यवेक्षक काम पर चले हैं। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। पक्का आश्वासन भी मिलल, वही उनके आश्वासन के हिसाब से सब लोग हम आश्वासन देने हैं कि त्यौहार के दिन भाई बिताओ, डिमांड करते रहो। हमारा पक्का पक्की विश्वास भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय कर ले, अन्याय ना कर ले, न्याय हुई अन्याय ना हो। इंदिरा आवास जो हड़ताल पर तो हम कहने कि भाई सरकार के कुछ दिक्कत हम भी बनू सरकार विचार भी करता है, अभी थोड़ा सा मानते कम भाई का, लेकिन काम करते रहो, डिमांड करते रहो, काम छोड़ के अनुबंध तो पर पड़ो, अपन मन से पड़ो ना, काम छोड़ दो तो नुकसान हुई, बहुत हड़ताल करके बैठे। लेकिन निश्चित रूप से हमें तो मानते पड़े के चाहिए, काम बहुत बड़ा इनाम भी बड़ा, इतना शौचालय बनेंगे तो सरकार के तरफ से 1,000 अनुदान बा, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, किसान तो ये हो गए। छोटी कहीं ना पाए वाला तो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वापस ले लो तो बेचारे बात मान लो, डी सी के लिख के दिया गया, डी एम साहब के दिया गया, हड़ताल आज का समाप्त हो गया।